ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी कृपा से आप लोगों की सब रोग दुख कष्ट तकलीफ दूर हो, यही मेरा भगवान से प्रार्थना। आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये मेरा एक डिवाइन ट्रीटमेंट कैंप का दृश्य है, जो 25 तारीख को उड़ीसा की बालेश्वर स्थित रेमुना नुआ गांव में किया गया था। आप देखिए कैसे कैसे मरीज मेरे दिव्य चिकित्सा केंद्र से आते हैं। आप देखो, जहां दुनिया में विज्ञान का इतना प्रगति किया है, तो इतना भीड़ क्यों होता है मेरे पास? हमेशा जहां भी जाता हूं, जहां भी मरीज देखता हूं, वहां बहुत मरीज का भीड़ क्यों होता है? यही तो आपको सोचना चाहिए कि दैवी शक्ति से मैंने इन लोगों की चिकित्सा कर रहा हूँ। आज तो नहीं, ये हो गया मेरा 2011 नवंबर से मैं लोगों की रोग दुख कष्ट दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज तक मेरे डिवाइन ट्रीटमेंट हर जगह चल रहा है। पहले जब मैं करता था श्री हवा जो बी ओल्ड मुंडा से जोग समृत और गुरुवार दिन शुरू किया था, फिर अब तो सब जगह में करने लगा हूँ। एक बात अब देखिए, कैसे कैसे मरीज आते हैं, अगर मरीज यहाँ पे उपकार नहीं मिलता है तो क्यों आते हैं लोग? आप देखिए, यहाँ जितने भी मरीज आते हैं उनसे 99% कम से कम 90% सब मेडिकल से वापस हुए मेरे पास आते हैं। तो मैं भगवान पर प्रार्थना करता हूँ इन लोगों को ठीक करने के लिए, और वो भी ठीक हो जाते हैं। तो हम यही बताते हैं कि देखो, 9 साल हो गया मैं मेरा डिवाइन ट्रीटमेंट जारी रखा हूँ। कोई कुछ भी कहे, कुछ पहले तो जब मैं करता था बहुत लोगों की गालियाँ भी मुझे सुनना पड़ा है। अगर एक आदमी से छूने से रोग दुख कष्ट तकलीफ दूर हो जाता है तो सब मेडिकल बंद हो जाएगा। कितने हेतुवादी भी मुझे बुरा भला का है, बहुत लोगों ने मुझे बुरा भला के, फिर भी 8 साल हो गया मैंने मेरा डिवाइन ट्रीटमेंट जारी रखा है। इंडिया नहीं, इंडियन बाहर कंट्री में मैं कर चुका हूँ। तो आप देखिए, अगर यहाँ मरीज ठीक नहीं होते हैं, इतना भीड़ क्यों लगता? तो आप लोग ये वीडियो देखने के बाद जरूर कुछ आपको महसूस होगा कि दुनिया में भगवान है, उनकी शक्तियाँ हैं, उनकी शक्ति से मैं इन लोगों का रोग दुख कष्ट तकलीफ दूर कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। आप भी भगवान पर यकीन कीजिए, भगवान पर भरोसा विश्वास कीजिए, सब आपकी रोग दुख कष्ट तकलीफ दूर हो जाएगा। हम शनिवार मंगलवार भुवनेश्वर में मरीज देखता हूँ, जहाँ हार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटी और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ शनिवार मंगलवार में मरीज देख रहा हूँ। 8 साल हो गया मैं एक जगह पे बैठा हूँ और मरीज देख रहा हूँ। अगर इसमें मरीज ठीक नहीं होते, लोगों तो गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, पुलिस में कंप्लेन करते, दुनिया तक मुझे छेलना पड़ता, लेकिन क्या हुआ है? मैं देख रहा हूँ और मरीज इतना भीड़ होते, रात को 4 बजे से लोग लाइन में रुकते हैं मुझे मिलने के लिए। ठीक है, छोड़ो वो सब बात, एक ही बात बता रहा हूँ, दुनिया में भगवान है, उन भगवान को भरोसा करो, विश्वास करो, आपकी सारी रोग दुख कष्ट तकलीफ दूर हो जाएगा। अगर मेरे कहने पर छूने पर आप लोग की रोग दुख कष्ट तकलीफ दूर हो जाते हैं, तो आपकी बोलने पर भगवान क्यों आपकी बात नहीं सुनूंगा? आपकी इतना भरोसा विश्वास रखना चाहिए ताकि भगवान आपकी सारी रोग दुख कष्ट तकलीफ दूर कर देगा। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज ये वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे पेज को लाइक कीजिए, और भगवान पर आस्था और भरोसा विश्वास रखिए। ओम नमः शिवाय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
बोले जाना सब हेलो कोई नहीं।